ये जो तेल है ना, ये कोल्ड प्रेस ऑयल है जिसमें कि काली सरसों और पीली सरसों दोनों तरह का तेल है। हमारे पास फिल्टर करके ऑयल भी आपको हम दे सकते हैं। इसके बाद जो आटे की मशीन है, वो आटे की मशीन में पत्थर की चक्की नहीं है, स्टील के चैम्बर में हैमरिंग से आटा पाउडर में कन्वर्ट होता है। इस तरह से गेहूँ का आटा, मक्के का आटा, बाजरे का आटा, बेसन, रागी और जुंदरी, हर तरह का आटा हमारे पास मौजूद है। इसके अलावा हमारे पास जो मसाला पीसने की मशीन नहीं है, स्टोन ग्राइंडिंग नहीं है, मसाला कूटने की मशीनें हैं जिससे कि हल्दी, मिर्चा, धनिया और गर्म मसाला हम कूट के अपना खुद बना रहे हैं। और इस तरह से पब्लिक को एक ऐसी चीज़ें दे रहे हैं जो पुराने वक्त में कूट के मसाला खाया जाता था, कोल्ड प्रेस ऑयल का यूज किया जाता था, बैल कोलू में चलता था बैल और उसमें 2 घंटे पीरता था तब ऑयल निकाला जाता, वैसी मशीनें हैं। और आटे में भी स्टोन ग्राइंडिंग नहीं है ताकि उसमें पत्थर का कोई भी अंश बॉडी के अंदर ना जाए, क्योंकि नई नई डिजीजें आज के ज़माने में पैदा कर रहा है। इस तरह से मेरे पास सारी तरह के आटा और नेचुरल किसान के पास में यह वो गुड़ और बिना पॉलिश की दालें हैं और बिना पॉलिश का चावल भी है हमारे पास उपलब्ध है। ये सारी चीज़ें हम अपने आप खुद ही अपनी देख रेख में तैयार कराते हैं और उसको सेल करते हैं। जैसे ये रागी का आटा है जो मार्केट में बहुत कम मिलता है, ये रागी और इस तरह इसके आगे बाजरा और बेसन, बेसन अपना खुद का पीसते हैं 1 रेट की दाल लेकर के। ये मक्के का आटा है और ये गेहूँ चावल, ये सब बिना पॉलिश का सारा सामान है। नेचुरली जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारे हमारे पास अवेलेबल हैं। मार्केट से बेस्ट सीरियल्स और बेस्ट स्पाइसेस लेके हम, जैसे ये हल्दी, बेस्ट स्पाइसेस लेके इनको हम ग्राइंड करते हैं, कूटते हैं और कूटने के बाद इसको छान के फिर उसकी पैकिंग करते हैं। अब अगर आप मशीनें हमारी देखना चाहें तो ये सारी मशीनें लगी हैं। शुद्धता एवं नीट एंड क्लीन तरह सारा काम हमारा है। ये हमारी कोल्ड प्रेस ऑयल मशीन है जिसमें एक बार सरसों जाती है और पतली इस तरह की खली निकलती है, कागज के बराबर की पतली खली निकलती है इस तरह की, और दोबारा इस खली को हम नहीं इसमें पेर सकते हैं। वन टाइम का कोल्ड प्रेस मशीन है। इसी तरह से आटे की है, इसमें ठंडा आटा पिसता है, स्टील चैम्बर है, इसमें हैमरिंग होती है, डबल चैम्बर्ड है, पीछे 4-6 टुकड़ों में फटेगा, उसके बाद पाउडर फॉर्म में आएगा, नीचे जाली लगी है उससे आटा बन जाता है। इसी तरह से ये मशीन ऑटोमेटिक मसाला पीसने की मशीन है, इसमें भी कोई पत्थर की चक्की नहीं है, स्टील की हैमरिंग है, स्टील की हैमरिंग में पत्थर की कोई चक्की नहीं, स्टील की हैमरिंग में मसाला जाता है और पिसता है, पिसने के बाद वो साइक्लोन में जाता है, कोई ठंडा होता है मसाला और उसके बाद ठंडा होकर नीचे गिरता है, इस चलने से ऑटोमेटिकली वो फिल्टर होके आता है मसाला, छन के आता है। ये मसाला कूटने की मशीन है, इसमें हम मसाला डाल देते हैं, उसके बाद ये हैमर चारों अप एंड डाउन होते रहते हैं, मसाला कूटता रहता है, उसके बाद में उसको हम चलनी से चाल लेते हैं, मोटा मसाला फिर इसमें डाल देते हैं, उसको रिपीट कर लेते हैं। इस तरह से बिल्कुल प्योर हाइजीनिक एवं शुद्धता जो कि मार्केट में नहीं है वो सारी चीज़ें हम अब उपलब्ध करा रहे हैं। ये हमारे पास फिल्टर भी रखा हुआ है, ये पीली सरसों काली सरसों का तेल है, स्टोरेज है और ये फिल्टर रखा हुआ है। इससे अगर कोई कहता पब्लिक मुझे फिल्टर डालनी चाहिए तो मैं इसको पुनः फिल्टर करके उसको दे देता हूँ। तो इस तरह की नई टेक्नोलॉजी में, पुराने वक्त में जो टेक्नोलॉजी चल रही थी, ठंडा आटा, ठंडा मसाला, ठंडा तेल, वो सारे कोल्ड प्रेस ऑयल मशीनों को हम लगा के पब्लिक को दे रहे हैं और ताकि उसकी हेल्थ बनी रहे, स्वस्थ रहे। गाइस, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, आप शेयर और कमेंट्स और लाइक जरूर करिएगा, इसको जरूर देखिएगा वीडियो को, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बेटर है। आज मैं स्पेशली मिलने आई हूँ भैया जी से, क्योंकि इन्होंने अपनी नया फैक्ट्री लगाई है और आपको सारा परिचय कराया है। तो ये जानकीपुरम विस्तार में है, सेक्टर 5 के बगल में है, सेक्टर 3 में 885 मकान नंबर में ये मशीन चल रही है। आप यहाँ से सारा सामान लेके जा सकते हैं, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा मटेरियल है।